गुड मॉर्निंग हिमाचल, चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। एनएच पर मलबा गिरने के कारण 3 घंटे थमे रहे वाहनों के पहिए। पंजाबी फिल्म शक्करपारे में गूंजेगी हिमाचल की बेटी की आवाज। विधायक के अधिकारियों को निर्देश, समय पर पूरा करें विकास कार्य। दसूहा में किसानों का धरना, जमकर लगाए नारे। और अब खबरें विस्तार से। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर बग्गा के पास भूस्खलन होने से यातायात बंद पड़ गया, जिसके चलते बसों समेत बड़ी संख्या में हल्के और बड़े वाहन यहां फंस गए हैं। साथ ही यात्री भी बारिश के बीच यहां फंसे रहे। लगातार पत्थर और मलबा गिरने के कारण सड़क बहाली को लेकर काम तेजी से आरंभ हुआ। शनिवार सुबह 10 बजे के करीब रोड खुल गया है। भरमौर एनएच पर बग्गा डैम के पास 3 घंटे वाहनों के पहिए थमे रहे। बता दें कि शुक्रवार मध्यरात्रि के बाद जिला के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर आरंभ हो गया, लिहाजा शनिवार सुबह 7 बजे के करीब बारिश के बीच बग्गा डैम के पास भरमौर एनएच पर भूस्खलन हो गया, जिसमें चट्टाने और पत्थर सड़क पर आ गिरे। नतीजतन यहां पर वाहनों की आवाजाही बंद पड़ गई है। बहरहाल सड़क बहाल करने का काम अभी तक आरंभ नहीं हो पाया है। आगामी 5 अगस्त को रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म शक्करपारे में हिमाचल की बेटी की आवाज गूंजेगी। बिलासपुर जिला के बरमाणा की नेहा ठाकुर ने इस फिल्म में प्रसिद्ध पंजाबी गायक प्रभ गिल के साथ एक रोमांटिक गीत गाया है। इस फिल्म की प्रमोशन और हिमाचल की बेटी को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म की स्टार कास्ट फिल्म निर्देशक के साथ बिलासपुर पहुंची। इसमें फिल्म के मुख्य अभिनेता एकलव्य पदम, अभिनेत्री लव गिल, निर्देशक वरुण खन्ना और प्रोड्यूसर पुनीत चावला शामिल रहे। इस फिल्म में प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार हनी मट्टू, अर्श हुंदाल, सरदार सोही, सीमा कौशल, निर्मल ऋषि और शिवेंद्र महल सहित कई कलाकार नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ मनाली में भी हुई है। बिलासपुर पहुंचने पर नेहा ठाकुर के पिता चमन ठाकुर ने पूरी टीम का स्वागत किया। वहीं इस दौरान स्टार कास्ट ने अपनी फिल्म के गीतों पर खूब डांस भी किया। ये शक्करपारे जो है बहुत अच्छी कॉमेडी और पारिवारिक फिल्म बनाई है। इसको हमने पंजाब के अम्बाला और चंडीगढ़, खरड़ सब जगह शूट किया, आसपास के इलाकों में शूट किया। और ये फिल्म में हम एक मैसेज देते हैं कि आदमी चाहता है कि हमेशा अमीर बनना चाहता है, एकदम सडनली पैसा आ जाए और हम लोग अमीर बन जाए, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत दिखाया है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आदमी ऐसे ही अमीर नहीं बनता, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। नेहा ठाकुर से जब मैं उनके जो पिता हैं चमन ठाकुर, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे, हम लोग फिल्म को एंड करके आ रहे थे, फिल्म कंप्लीट करके हिमाचल में शूट करके आ रहे थे, तो इन्होंने हमें डिनर दिया, तो वहाँ मैंने इसकी आवाज़ सुनी तो बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा अभी हमारा एक गाना रिकॉर्ड होने के लिए बाकी था, तो सोचा क्यों ना हम उसको, बेटी को उसमें चांस दिया जाए, तो इसीलिए हमने चांस दिया। और बहुत सुंदर आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है। जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करें, ताकि जल्द से जल्द लोगों को विकास योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। विधायक प्रकाश राणा ने विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों के साथ चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी फील्ड में पहुंचकर चल रहे विकास कार्यों की निगरानी सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि मॉनसून मौसम को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग तथा बिजली बोर्ड के अधिकारी पूरी सजगता के साथ फील्ड में कार्य करना सुनिश्चित बनाएं, ताकि लोगों को पेयजल, सड़क या बिजली की समस्या से परेशानी न उठानी पड़े। लोगों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित बनाने, तो वहीं बरसात के कारण सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में विभाग को अपनी मशीनरी तैनात रखने के भी निर्देश दिए। दसूहा के नजदीक पड़ते रंधावा में एक मिल के सामने किसानों द्वारा धरना लगाकर रोष प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की।
किसानों का कहना है कि मिल के कारण इलाके का पानी जहरीला हो चुका है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के सीनियर मीत प्रधान सुविंदर सिंह चौटाला ने बताया कि मिल मैनेजमेंट द्वारा शराब फैक्ट्री में जो जहरीला केमिकल निकलता है उसे बोरवेल के जरिए जमीन में डाल दिया जाता है, जिस कारण आसपास के इलाके का ज्यादातर पानी जहरीला हो चुका है, जिस वजह से भयानक बीमारियां फैलने का खतरा है। वहीं किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के आगुओं ने एक ट्यूबवेल की चलाकर दिखाई तो उसमें पानी की जगह पीले रंग का केमिकल निकल रहा था। हाँ जी, जिहड़ा धरना साडा कल तो इत्थे लगा वा, अज दूसरे दिन ते वी धरना शामिल आ ए बी शुगर मिल दे गाड़ी ते अजे 25 तरीक तक ये धरना रहना वा। आंदे हुंदे प्रतख नूं प्रमाण दी लोड़ नहीं हुंदी। आ वेखो भी असीं जिन्हां मुद्दिआं नूं लै के धरना लाया उह मुद्दा सब तो पहला आया भी ये जिहड़ियां वड्डियां फैक्ट्रियां दे मालक आ जां वड्डे कारपोरेट कराने आ ये थलड़ा पानी जिहड़ा दूषित कर रहा, पानी अपने बोरां दे राहीं ट्रीटमेंट प्लांट नहीं ला रहे तो अपन मिलों के व्डे बोर करके तो धरती के पानी जोड़ा धक् रहा है। शायद लोगों पेल ना जचती हो गल भी शायद ये जथेबंद एवें कहते हैं, पर प्रतख उदाहरण है तेजे सामने एक किलोमीटर की दूरी के उत्ते आ मोटर चल रही है। जो अं धरने के उठ के आए हैं भी एक किलोमीटर की दूरी से मोटर चल रही है तो वह पानी बिल्कुल ए डार्क पानी आ रहा, ब्राउन जहा पानी आ रहा, वो असी उन्होंने सौंक ही वेख्या तो शराब की बो आ रही है। वो आ पिछले दिन एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है मेहीवाल पिंड इतने फिरोजपुर के उतो जो बाबे ने बोर किया 500 फुट वो इस तरह की स्मैल आ रही थी। ये घेरे घेरे 13 पिंड आ बोदल पिंड लागे रंधावा पिंड 13 पिंड घेरे घेरे इतों के बोर का इतों दोटर का यो ही हाल है। लोग तरह तरह कर रहे हैं, पानी बिल्कुल पीण योग नहीं, लागे पासे पिंडां दे विच चमड़ी दे रोग, कैंसर दे रोग, किडनी दे रोग, गोड्यां दे रोग, तरह तरह दे अखां दे ब्लाइंड रोग जिहड़े लोगों नूं हो रहे आ। पर ये कारपोरेट घराणे ते मिलां दे मालक जिहड़े हैगे आ ये अपने मुनाफे की खातर जिहड़ा वा ये लोगों दे नाल जीवन दे नाल घाण कर रहे आ। अहीं पुछणा चाहुंदे भी किधर गया पोल्यूशन बोर्ड जिहड़ा वा, किधर गया इत्थों दा हुशियारपुर दा डीसी, किधर गया इत्थों दे पुलिस वाले SSP किधर गए आ, तो जां भगवंत मान की सरकार केजरीवाल की सरकार कि पासे गई आ। ये बहुत वड्डा मुद्दा, इहदा मतलब जे अं धरने ला के बैठे हाँ तो बिल्कुल ये प्रतख गल आ भी ये मुद्दा जिहड़ा वा साडा ठीक आ, तो पंजाब के लोगों को इस मुद्दे पर खलोना चाहिए ता ही अं इन लोगों को ये निजात जिहड़ी आ पा सकते हैं। तुहानू कि नहीं लगता?